स्थानीय थाना क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स के 136 जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आरएएफ के इंस्पेक्टर मंजीत व डीएसपी ताराचंद ने बताया कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर राजगढ़ कस्बे को संवेदनशील किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कस्बे के प्रमुख बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस व प्रशासन का सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इससे आमजन में पुलिस के लिए आत्मविश्वास रहे। इस मौके पर तहसीलदार अनिल चौधरी, थानाधिकारी रमेश सिंह सिलवार सहित स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी व आरएएफ के एक जवान मौजूद रहे। हमें निर्देश प्राप्त हुआ था कि हमें राजस्थान सरकार को जो है फोर्स उपलब्ध करानी है, तो उसी सिलसिले में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है, इसी अवसर पर जो है यहाँ चूँकि संवेदनशील घोषित किया गया है राजगढ़ को, तो उसी सिलसिले में यहाँ फोर्स डिप्लॉयड की गई। उसी सिलसिले में रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ आज फ्लैग मार्च की। रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी कंपनी है, उसमें की 136 हमारे जवान शामिल हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती शनिवार को अलवर में भी मनाई जाएगी। इस दौरान तनाव की कथित आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 अप्रैल को अलवर में हुए आगजनी, तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्कता बरते हुए है। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि बाबा साहब की जयंती को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सभी कानून के दायरे में अंबेडकर जयंती मनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लगाई हुई है। बाबा साहब की जयंती सभी लोग अलवर जिले में हर्ष के साथ मना रहे हैं, आनंद और खुशी के साथ मना रहे हैं, और प्रत्येक समुदाय, हर भारतीय इस उत्सव में शामिल है। और कोशिश सबकी ये है कि मिलजुल करके इसको करें, और जो नकारात्मक तत्व ऐसे अवसरों पर किसी प्रकार से हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार से दूसरों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनके लिए पर्याप्त और माकूल व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है। जिले में धारा 144 लागू है, उसको भी इन्फोर्स किया जाएगा, और जो भी लोग इस महान दिन को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी। हाँ, अतिरिक्त फोर्स भी है, हमारी फोर्स भी है, पूरी तैयारी है, और सब लोग मिलजुल करके इस उत्सव को मनाएंगे, और प्रत्येक वर्ग ने इस उत्सव को, प्रशासन ने इस उत्सव को मिलजुल करके मनाने का फैसला किया।